हाय, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है हमारी तरफ से। महादेव भोलेनाथ आप सबको खुश रखें हमेशा। आज की बातें कुछ ऐसी है कि कल मैंने कुछ चीज़ें सुनी और कुछ देखी जो अपनी आंखों से मैंने देखा, और कुछ सुना लोगों का विचारधारा। ये सोच के मैं हैरान रह गया कि यार आखिर लोग कर क्या रहे हैं। पहले ज़माने में राजा महाराजा थे, वो एक दूसरे से लड़ के मारते थे, ऐसे ही किसी का पतन होता था। पर आज के ज़माने में आदमी अपना पतन खुद कर रहा है। बात ऐसी कि आप दारू की दुकान में ही जाके देख लो, वहाँ दारू लेने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं और पहले आपको पैसा दे रहे हैं, जब उन्हें पता है सेहत के लिए ख़राब है, फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। मतलब ये आज के ज़माने के लोग मतलब अपनी मौत खुद ही चुन रहे, खुद उसी दिशा में जा रहे हैं, और उन्हें कोई सही दिशा दिखाने वाला भी नहीं है। और दिशा हमको किस चीज़ से मिलती है? शिक्षा से। और शिक्षा तो आज की डेट में सिर्फ एक व्यवसाय बन के रह गया। अमीर लोग प्राइवेट स्कूल खोल खोल के उसे एक बिजनेस बना दिए हैं, और हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जा रहा है। आखिर यार अंग्रेजी तो हमारी संस्कृति है नहीं। चलो कुछ जानकारी के लिए सही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन आप कोई भी स्कूल में जाओ, कहीं भी जाओ, अंग्रेजी जो है कंपलसरी है, और हमारा मातृभाषा उसमें ऑप्शनल आता है। चाहे हिंदी हो, उड़िया हो, सीजी तो कोई स्कूल में पढ़ाते भी नहीं है। चलो हिंदी ही हो सही है, बाकी दूसरे स्टेट में जाओ, मराठी में, आसामी, मतलब साउथ इंडिया छोड़ के बाकी दूसरे जगह में सब इंग्लिश को गुरुत्व दे रहे हैं। तो ये तो धीरे धीरे हमारा संस्कृति, हमारा भाषा तो लुप्त हो जा रहा है। इस बात पे भी कोई चर्चा नहीं करता, मतलब कोई कुछ नहीं बोलता, हर किसी को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, कोई अपनी संस्कृति के बारे में सोचता नहीं। मतलब धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी पतन होते जा रहा है, हमारी भाषा ही लुप्त होते जा रहा है, तो इसकी वजह भी हम ही हैं। अगर हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा मतलब ये नहीं कि जहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ा जाता हो पढ़ के नौकरी मिलेगा, ऐसा नहीं। आप उन्हें गुरुकुल में डालिए, वहाँ उसको प्रॉपर शिक्षा मिलेगा, अच्छी ज्ञान मिलेगी, इंसानियत क्या है वो बताया जाएगा, उसमें वेद पढ़ेगा, वो संस्कृत किताबें पढ़ेगा, भगवद गीता, उस सब चीज़ में जो ज्ञान है कोई इंग्लिश किताब में नहीं है। दो चार इंग्लिश पढ़ लेने से सिर्फ उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और ये अच्छी जो नौकरी देने का है इसमें हमारी सरकार की भी गलती है यार। ऐसा लागू करना चाहिए कि हर स्टेट में अपने अपने भाषा का ही हर चीज़, जितना भी दस्तावेज जो भी बन रहा है कि हमारे ही भाषा का बनना चाहिए। जैसे बंगाल में कोई भी हो बंगाली में लिखा होता है, उसी तरह हर स्टेट का अपना अपना अपना। साउथ में देखिए हर स्टेट सिर्फ अपने भाषा से प्यार करते हैं, वो लोग तेलुगु वाला तेलुगु ही बोलेगा, उनका लगभग बस या गाड़ी हर चीज़ में तेलुगु रहता है, तमिल में तमिल। तो बाकी जितने भी हम साउथ को छोड़ के जितने भी ईस्ट में, नॉर्थ हैं, वेस्ट हैं, हमें भी हमारी सरकार ऐसा कराना चाहिए, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार ही है, क्योंकि सरकार वोट के लालचों में लोगों को बहुत कुछ उल्टा सीधा करा देती है। मतलब वोट के चक्कर में दारू भी दिया जा रहा है और पब्लिक दे भी रही है, जिसे हम नायक चुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो हमें अच्छे दिशा में लेके जाएगा वही बंदा ही हमें कुएं में ढकेल रहा है, और बिना समझे हम उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। ये इसमें तो हमारा ही पतन है और किसी का है नहीं, हम खुद जानबूझ के जा रहे हैं, और इस सब की वजह शिक्षा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। और दूसरी बात है पैसा। लोग पैसे के लोभ में अपनी संस्कृति, धर्म सब कुछ भूल जा रहे हैं। अभी भारत में जो मतलब पादरी लोग पहले से आते थे, वो लोग बहुत पहले से आते रहे हैं, मतलब पहले बहुत लोग भगाए भी गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा लालच देना शुरू कर दिया है कि हर कोई अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियन होके चला जा रहा है, ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है उनको। कोई अगर उनके पास जा रहा है उसको ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि हिंदू धर्म में कुछ है नहीं और क्रिश्चियन में सब कुछ है, पैसा है, मतलब शांति है, सब है, और लोग उन्हीं का बात मान के क्रिश्चियन भी बन जा रहे हैं। जन पैसों के लिए जो लोग धर्म बेच दे रहे हैं, मतलब हमारा धर्म का भी पतन हो रहा है, लुप्त तो होते जा रहा है धीरे धीरे। हम किस गति में जा रहे हैं कोई नहीं सोच रहा है। तो मैं आप सभी से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सही दिशा में जाइए, अपने बच्चों को सही दिशा में लीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा क्या है? पैसा यहीं का यहीं रहेगा, हम तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा कर्म करके जाइए कि लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें।
फिर अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दीजिए और हो सके तो कुछ अच्छा काम कीजिए और लोगों को कुछ अच्छी बातें समझाएं दो बार। हो सकता है एक बार में ना समझे, लेकिन प्रयास करना गलत बात नहीं है, क्योंकि प्रयास से ही आदमी तरक्की करता है। जब तक आपको कोई चीज़ का मतलब दिक्कत नहीं होगा तब आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हो सके तो कुछ अच्छा कीजिए, लोगों को कुछ अच्छी बातें समझाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, हमारी संस्कृति के बारे में बताइए, हमारा भाषा है, जो हमारी मतलब कल्चर है, धर्म है, ये सब के बारे में उनको बताइए। जय हिंद, जय भारत।